अरे वो साइड में गिरा है। कस में क्या हाल है और बताइए सब बढ़िया। आज आप लोग देख रहे हैं वापस है मेरा व्लॉग। और अभी जस्ट मैं सो गया, उठा हूँ और अभी क्या हो रहा है ना कि आज है लास्ट डे ऑफ 31st और बस यही है। आज है लास्ट डे ऑफ 31st और आज भाई इतने दिनों बाद धूप निकली है और क्या नाम है, क्या कह रहा हूँ यार, मैं नींद में हूँ अभी भी। मैं सुबह 6 बजे उठा, फिर उसके बाद फिर सो गया, फिर अभी 11 बजे उठा हूँ। आज लास्ट डे है तो वो भी दिखाऊंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं पहले चाय पी लूँ फिर बताता हूँ। तो भाई अभी जस्ट तैयार हो गए हैं, नहा धो के और पहन लिया है। बहुत पुरानी है याली, इसका तो कलर भी फेड हो गया लेकिन पसंद है मुझे, पता नहीं क्या। और फिर आज थोड़ा भाई धूप में थोड़ा अंतर आया है। आज कई दिनों बाद, 3-4 दिनों बाद हम लोग को धूप देखने को मिली है भाई, एकदम प्यारा सा। और फॉग वॉग बिल्कुल हट चुका है, आज बिल्कुल कम है, तो ऐसा कुछ है। और आज है न्यू ईयर, मतलब आज है 2023 का लास्ट डे। और मुझे मालूम है बहुत भीड़ होगी लेकिन थोड़ा सा तो निकलूँगा, जाऊँगा इधर उधर और मज़ा आएगी। अभी आकिब को फ़ोन करता हूँ, आकिब से पूछता हूँ कहाँ है। आकिब अगर होगा तो होगा, वरना तब तक मैं एक बार सोच रहा हूँ अपने ये थोड़ा समेट लूँ। भाई बहुत गंदा हो गया उधर, देखिए उधर हर चीज़ पड़ी है वहाँ पे, ऐसा कोई चीज़ ही नहीं जो ना हो, सब पड़ा हुआ है इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये तो सब आप इसको समेट देते हैं। तो भाई अभी तक थोड़ा बहुत साफ़ सफाई हो गई लेकिन ज़रा सा साफ सफाई करो कुछ होता नहीं, यहाँ का हिस्सा यही दिक्कत है। ये जिस दिन गायब होगा ना यहाँ से पूरा, तब कुछ ठीक दिखेगा। होता क्या है ना, ये सब चीज़ें मेरी मेन चीज़ें हैं, तो सिरप हो गया, सनस्क्रीन हो गई, क्रीम हो गई और परफ्यूम हो गया। ये हमारा अभी नया नया लेके आए, एकदम बढ़िया है भाई, गजब मसाज देता है ये। और फिर ये लगा हुआ हेडफोन, पर्स तो आता जाता रहता है, ये अभी लगा लूँगा। ये है मेरे 3 चार्जर, ये दिक्कत देते हैं सबसे ज़्यादा। दिक्कत इसमें ये है क्योंकि मेरे पास भाई 2 फ़ोन है, एक हमारा ये है, तो ये फ़ोन भी आईफोन है जो मैं पहले यूज़ करता था, इसको अभी भी यूज़ कर रहा हूँ। और ये उसका दूसरा चार्जर है, मतलब वो पहले लाइटनिंग केबल आता था वो है। फिर ये जो मैंने नया फ़ोन ख़रीदा है इसका, इसमें टाइप सी है तो उसका दूसरा चार्जर है। और फिर ये वाला है उसका चार्जर है। अब करें तो करें क्या, ये वाली चीज़ आ जाती है, अब तीनों करना होता है। तो इसलिए अब मैंने सोचा है कि कभी काम होगा तो यहाँ से एक सॉकेट खिंचवा के वहाँ पर भी एक सॉकेट बनवा लेंगे, लेकिन तब तक के लिए काम चलाओ ये करते हैं कि यहाँ पे कनेक्शन करवा के वहाँ पे एक वो रख लेते हैं एक्सटेंशन, तो उससे भी काम हो जाएगा। बाकी अपना ये सैयद फलक ब्लॉक्स ये देखिए, नाइस। तो भाई अभी आए हुए हैं नखास मार्केट और यहाँ पे इनका फ़ोन बनवा रहे हैं, यहाँ फ़ोन बन रहा है और ये पूरे मार्केट है। अभी चलेंगे, लाइट लेना है यार, लाइट भी लेना है। यहाँ पे शर्मा चाट भंडार, ये बहुत फेमस है, ये सबका नहीं पता लेकिन हाँ ठीक। तो ये जो कि यहाँ खाने का लगा हुआ है ये भी बहुत फेमस है, ठीक है। गजब भाई गजब, ये है मारे पड़ा है तब से, 3 गाड़ी ठोक चुके हैं, एक उधर ठोका है, एक इधर ठोका है, लड़ाई शुरू हो गई, बवाल हो गया भाई बवाल। मेरे घर में सामान आया है, अब इसकी अनबॉक्सिंग होने जा रही है। फलक भाई अनबॉक्सिंग करेंगे और हम देखेंगे वीडियो। जिसके यहाँ से लाइट लिया था वो, उसके यहाँ फोक मार्केट है ना, ये स्टैंड होगा इसका, इसके ऊपर टिकेगा नीचे, तभी तो घूमेगा। तो भाई अभी तो निकल नहीं पाए क्योंकि भाई हमारा एक ही दोस्त हैं जो यहाँ पे पास में रहते हैं और जो थोड़ा बहुत मिल भी लेते हैं आकिब, वो गोला देने में बहुत माहिर हैं। तो कहे तो थे हमसे कि हम आएंगे आएंगे लेकिन अभी तक आए नहीं। तो अभी क्या हो रहा है, 4:28 हो रहा है, तो अभी हम आए हैं मम्मी पापा के साथ सब्जी लेने, दास के आखिरी दिन आए हैं सब्जी लेने,
अगले साल तक खाएंगे एकदम मस्त मना के और सब्जी ले लेंगे। फिर उसके बाद मैं निकल जाऊंगा थोड़ा शायद फिनिक्स मॉल के लिए, क्योंकि मुझे एक बार बॉन्कर्स जाना है, देखना है कि वगैरह वाला लोवर होगा तो लेना है। फिर सरांज भी क्या चले जाएंगे, क्योंकि आज बहुत स्ट्रिक्ट रूल है भाई लखनऊ में बहुत ज़्यादा, और मे बी हो सकता है कि पुलिस वुलिस बहुत लगी होगी। तो देखो मैं तो नॉर्मली ठीक ठाक चलता हूँ, लेकिन क्या फ़ायदा फालतू में जाऊँ इधर, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा होगा ड्रिंक एंड ड्राइव वाला, बहुत लोग पीते हैं भाई और बहुत ज़्यादा बेहिसाब गाड़ी चलाते हैं। और आजकल आप लोग जान ही रहे हैं कि लखनऊ में एक्सीडेंट कितने ज़्यादा हो रहे हैं और ज़्यादातर इससे पीने की वजह से हो रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा अवॉइड करो। चलते हैं सब्ज़ी मंडी के अंदर। तो आ गए भाई सब्जी मंडी, एकदम ताज़ी ताज़ी हरी हरी सब्जी लगी हुई है। ये मम्मी पापा खड़े हुए हैं, सब्जी खरीद रहे हैं। आज वो नहीं है क्या, कहाँ घर गए हुए हैं? झक्की भीड़ है यार भाई, क्या गजब भीड़ है यार। नया साल सब लोग यहीं मना रहे हैं क्या? बॉन्कर्स कहाँ है भाई? भाई झूमर तो बड़ा आलिशान लगा है यार यहाँ पे, नो डाउट। और क्या गजब भीड़ है भाई आज, एकदम खचा खच भरा हुआ है पूरा, सब कुछ भरा है, एकदम देख ही नहीं रहा। भाई फालतू का ही पोपट हो गया यार, आना भी बेकार हुआ, सब कुछ बेकार हुआ। मैं हूँ किधर, फिर तो साला इतना बड़ा बना देते हैं और ये भी नहीं पता चलता हम लोग किधर जा रहे हैं, किधर आ रहे हैं। ये नहीं मालूम है कि मेरी बाइकें कहाँ खड़ी हैं, किधर की तरफ आ रहा हूँ। अरे यार साला मैं अपोजिट आ गया, फिर से अंदर जाना पड़ेगा, फिर से बाहर आना पड़ेगा। मैं इस तरफ आ गया, मुझे उस तरफ जाना था। लग रहा मैं यहाँ से व्यू और यही चीज़ देखने आया था भाई, कुछ मिलता ही नहीं यार, सब कुछ है ही नहीं वहाँ पे, है ही मतलब है क्या नहीं वहाँ पे, है ही नहीं, मिल ही नहीं रहा जो भी चीज़ है, सब कुछ ऑनलाइन ही मिल रहा है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। हेलो इधर इधर जूम करी जूम नहीं डायरेक्ट ऐसे हाथ से। तो भाई हमारा नया साल ऐसा कुछ बन रहा है कि 7 बजे हम लोग यहाँ पे बैठ के आग टाप रहे हैं, 8 बजे घर पहुँच जाएंगे, फिर घर वालों के साथ न्यू ईयर मनाएंगे। न्यू ईयर मनाना बिदत है, हाँ हाँ सही बात है। तो अपना आराम से घर पे जाके 12 बजे करेक्ट सो जाएंगे। आप बड़ा हंस रहे हैं, मुझे अभी से नींद लग रही है, सो जाइए जाके। एल्युमिनियम जल गया तो व्लॉग बना रहा था, कल तो जाएगा। थोड़ा तेज मारिए उसकी चप्पल तक बस। अरे आप ब्लास्ट नहीं करेंगे, ये ब्लास्ट नहीं करेगा, आप बैठे रहेंगे ना यहाँ पे, उनको देखो बैठे रहेंगे ना आप। अरे उस साइड में गिरा है। नहीं नहीं ओए बड़ा साला जाया, मैं तेल लगा के वो क्या भागे है सबके। नहीं हो गया, उसका काम खत्म हो गया, गैस हाँ वो था कितना इसलिए तो बेका बढ़िया आया। तो हम इंडियन बन जाएगा, कोई नहीं होगा आपका वो, तुम्हारा मुंह हो गया तुम्हारा वो, नहीं नहीं वो टिकट हो गया, तो जब टिकट हो गया तब मुझे पता चला कि मैं भी जा रहा हूँ, तो तुम्हारा भाई का कट गया। किसका कट गया? तुम्हारे भाई का टिकट, वो तो वहीं रहता है। अच्छा वो वहीं है, तो मुंबई गया था ना, वहाँ जाओ अभी, गया घूमने, होम सिकनेस होगी तुमको वहाँ जाने के बाद। कब जाना है तुमको? 9 बहुत बहुत दिन का होगी तुमको, मैं सजेस्ट करूंगा। चाबी का क्या करोगे यार, चाबी ले जाओगे वहाँ खो हो जाएगी तो उनके लिए ये खो जाए ज़्यादा अच्छा। उनको नहीं लौट के नहीं आना फिर, उस
अरे बोला था मैंने हमारे अब्बा साहब है ना, हम क्या कर सकते हैं। हैदराबाद में अरेंजमेंट करा दूंगा अपना खाना पीना, तुम चला जाओ उससे, तुम ट्रेन में। उससे अच्छा कोई ड्राइवर भी नहीं है उनके पास, ठीक है। अरे तुम श्रवण कुमार हो, हम तो यहाँ हैदराबाद तक तो रुकेंगे नहीं, तो इलाहाबाद तो गया हूँ ना मैं लंबा चला के। आगे बढ़ो, एक बार वृंदावन तक गया हूँ, मेरी हवा टाइट हो गई थी इसलिए रहने। कब गए हैं आप मेरे साथ? अविरल की कार से। तो भाई देखो अविरल भाई कार मैं नहीं चला पा रहा था, जो है बाद साहब R20 हाँ, लेकिन मैं नहीं चला पा रहा था। एक तो उनका पूरा नीचे एक तो मेरी बात सुनिए, जो मेरी गाड़ी है वो मेरे हिसाब से सेट है, ठीक है। वो उनकी गाड़ी है, उसमें एक तो वो झुंझुना लगाया हुआ है, तो सेट कर लेते उसको। नहीं करते ना कि भाई हमको दो मिनट लिए घर जाना, उसके बाद मैं अपने तरफ से नीचा ऊपर उसको ऊपर सब कुछ कर लूं। अच्छा ठीक है, चाबी का क्या? चाबी नहीं मिल पाएगी, कंफर्ट नहीं मिलता है। नहीं, किसी के घर को दूषित नहीं करना चाहिए। उसका घर मैंने इंटीरियर कराया है। तो क्या तेरी मेहरबानी है, पिक्चर चल रही है क्या? वो करे अपना जैसे वो कौन था वो क्या था वो किसको अंगूठा काट के देना था? जल्दी बोलो नौ तारीख को, कहाँ से आया? जल्दी बताओ नहीं तो वो वहाँ से पनवेल भी चला जाएगा। अरे कोई था मतलब उसने मांगा था कि आप जोड़ा चार ने कहा था हमको मतलब गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा था, उसने काट के दिया था क्लब में। गलत चीज था, किराए पे दे दो। किराए पे क्यों दे दो? एक बात आपको बता दें, जो गाड़ी है ना उसके दावेदार बहुत लोग आ गए, इसीलिए कह रहा हूँ मैं किसी को नहीं दे पाऊंगा। एक को दूंगा तो दूसरा बोलेगा, दूसरे को दूंगा तीसरा बोलेगा। क्या देने की बात हो रही है? और तीसरे को दे दूंगा दोनों बोलेंगे गाड़ी। क्या कार? नहीं कार। क्या बोलोगे वहां जाकर के? बताओ बताओ क्या क्या बोलोगे? स्मॉल लाटे, पैक लेमन टी। अरे वो टॉल लाटे भूल गए। तो भाई अभी आ चुके हैं यहाँ पे कैरम बोर्ड खेलने, और चल रहा है एकदम बढ़िया सब मैच। अभी आज हैं सिर्फ गालिब भाई और हम, कल तो तीन लोग थे भी, आज कम लोग हैं। तो अभी खेल रहे हैं, देखते रहते हैं कितना चलता है कितना नहीं चलता। चलिए थोड़ा खेलते हैं। तो भाई बिना क्विन, मेरे पास क्विन नहीं है, तब भी मैं जीत गया, कोई बात नहीं। ज़िंदगी में हमेशा क्विन की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप भी कुछ करना पड़ता है। बहुत है मेरे पास, आपके पास कुछ नहीं। 60, 50, 60, 50, 110, 130 है आपके पास, मेरे पास बहुत है। तो भाई दूसरा मैच, क्वीन भी हमारी और इनका भी पूरा कल्याण कर दिया एकदम, 70 पे ले आए, 60 का लॉस हमारा, 60 का प्रॉफिट। अभी चलते हैं, अभी और आगे खेलते हैं, देखते हैं कितना आते हैं, ये हरा के ही जाएंगे। तो भाई अभी क्या हालत ये है कि इनका सिर्फ बची है एक और अपनी बची है ये पूरी पहाड़। अब ये भी ले लें तो 10 का बचेगा, उसके बाद मैच खत्म। चलो भैया 10 रखिए, लास्ट मैच, अभी भी इसको मार के ख़त्म करूँगा मैं और मामला ख़त्म। बस अब एक अपनी तरफ कर लिए, एक ये यहाँ लगा के दे देंगे, देखा, एक ये यहाँ लगा के दे दिए, ये मारा। अरे यार चैम्पियन रहा हूँ भाई मैं अपने कॉलेज में। यार क्या हार हुई यार, पूरा खत्म करा दी। रानी भी मेरी, चट भी मेरी, पट भी मेरा, सब मेरा। सुबह ऐसा ही होता है, शाम में या रात के टाइम हम लोग थोड़ा सा खेल वेल लेते हैं, वरना आग में बैठ जाते हैं। आज आग में बैठने वाला है नहीं, वैसे तो 11 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन भाई फील दे रहा है एकदम 5-6 का, क्योंकि बहुत तगड़ी हवा चल रही है, बहुत ही भयंकर हवा चल रही है, और यहाँ का लुक ही अलग कर दिया भाई मैंने। मेहनत तो है हम सब की है, नो डाउट, लेकिन ये बस जो मैंने कहा था कि मैं ये ऐसा ऐसा कराऊंगा, बस इतना ही मेहनत मैंने की है, बाकी सब लोगों ने लगाने मेहनत की है, पुताई हुई है, ये सब लगाया गया है, सब हुआ अच्छे से, तो ऐसा कुछ है। चलते हैं ऊपर, अब सोने का टाइम है, थोड़ी देर बैठूंगा फिर उसके बाद सो जाऊंगा। भाई ये है मेरा न्यू ईयर,
बैठ के ये देख रहा हूँ काफ़ी दिनों बाद, 10-15 दिन के बाद गैप के बाद अभी लेटेस्ट वाला देख रहा हूँ। तो भाई जब आप लोग ये वाला ब्लॉग देख रहे होगे तो हैप्पी न्यू ईयर हो चुका होगा। तो भाई साहब सभी लोगों को बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर, हमारा 2024 शुरू हो रहा है, अच्छा शुरू हो जल्दी, मतलब हम लोग अच्छा कुछ करें देश के लिए भी, अपने लिए भी और घर वालों के लिए भी, और प्लस थोड़ा दारू वारू कम पीजिए भाई, 2023 ख़त्म हो रहा है, आप नहीं, थोड़ा आराम से, ठीक है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, और अभी थोड़ी देर में होने वाला है न्यू ईयर, तो 7 मिनट बचे तो वो नेक्स्ट ब्लॉग पे रहेगा जो न्यू ईयर वाला ब्लॉग रहेगा, ये लास्ट डे ब्लॉग है, वो फर्स्ट डे ब्लॉग रहेगा, तो यही सब भाई ब्लॉगिंग कंटेंट में यही सब रहेगा। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय।